हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने खुद अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम दिया जो रिसेंट में हुआ, जिसमें मेरे 10th लेवल पे 50 out of 50, 12th लेवल पे 50 out of 50 से रीजनिंग में, और ग्रेजुएशन लेवल पे 45.5 से, और CHSL में भी मेरे 45 मार्क्स से रीजनिंग में। तो आप रीजनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको स्कोर कार्ड भी अपना शेयर कर दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखिए, रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले एक मॉक टेस्ट देना है। आपको जैसे बेसिक से आप स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग, एक मॉक टेस्ट देना है, एक नए कम हम पाथ दे लीजिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है। CGL के आप मॉक दीजिए, अलग अलग साल के दे लीजिए 5 मॉक। उनमें ये देखिए आपके वीक टॉपिक कौन से हैं, जो जो टॉपिक जो गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन नहीं बने आपसे, जिसमें ज़्यादा समय लगा, उसको आप YouTube पे डालिए, सर्च करिए उसको, कि आप नोट्स बना लीजिए या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और चाहे आपके पास पिनेकल बुक हो या किरण पब्लिकेशन की बुक हो, तो आप उससे लगा सकते हैं। जैसे आपको टेस्ट देने के लिए आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेस्ट बुक। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ले भी सकते हैं, और मेरा कोड जो स्क्रीन में दिख रहा है, अगर आप यूज करेंगे उसको, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जितना हो सकता है। तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक मॉक देना है, उसमें एनालिसिस करना है, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके यूट्यूब से वीडियोस देखने हैं। फिर उसके बाद आपको इसी तरह कम से कम 100 मॉक दे लेना है रीजनिंग के। जब 100 मॉक दे लेंगे, आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है ना, वो 25 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएगा। अब मुझे खुद पहले 20 मिनट, फिर 18 मिनट, फिर 15-16, अब तो ऐसा होता है कि अगर इजी हुआ तो 12-13 मिनट में रीजनिंग का सेक्शन ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ टॉपिक हो गए, जैसे डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, और कुछ सीरीज वाले टॉपिक हो गए, सेट एनालॉजी हो गई, इनमें बच्चों को दिक्कत हो गई, नंबर सीरीज हो गई, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, पिनाकल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या किरण की बुक है तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको बाई करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा रीजनिंग में आपको इधर उधर किसी का कोर्स बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना करिए जितना मैंने बताया। फिर मुझसे बताइएगा, आप 2 मंथ करके देखिए, आपका फुल आउट ऑफ फुल स्कोर होगा रीजनिंग में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।